शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल जूदि वल करम वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिही हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिही। हम्द व सलात के बाद मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हज़रत सय्यदुना कअब बिन अजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के लिए हुक्म फरमाया उहज़ुरुल मिंबर, कि तमाम सहाबा मिंबर के पास जमा हो जाएं। फहदरना, हम तमाम सहाबा मिंबर के पास बैठ गए। आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए और आपने जैसे ही मिंबर के पहले स्टेप पर अपना कदम रखा आपने आमीन कहा, फिर सेकेंड स्टेप पर कदम रखा आपने आमीन कहा, और थर्ड स्टेप पर जब कदम रखा तो आपने फिर आमीन कहा। फनज़ल, फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो वाज करना था वो किया। फिर जब नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा में से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन मिंबर पर जिस तरह आप चढ़े हैं ऐसे पहले कभी नहीं चढ़े, कि हर स्टेप पर आप आमीन कह रहे थे, इसकी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, आज जब मैंने मिंबर पर पहला कदम रखा तो जिब्रील ने आकर ये बद्दुआ की है। ये अल्फाज हैं हदीस के। हज़रत सय्यदना जिब्रील आ गए थे और उन्होंने हाथ उठाकर रब की बारगाह में यूँ बद्दुआ कर दी, मैंने आमीन कह दिया है। दूसरे स्टेप पर भी उन्होंने बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा, और तीसरे स्टेप पर भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहे और मैंने आमीन कहा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कहा जिब्रील ने? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने ये दुआ कर दी। फरमाया, बुअदन लिमन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लहू। या रसूल अल्लाह, मैं बद्दुआ करता हूँ उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पाए मगर रमज़ान में भी उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत ना हो, वो बदबख्त है, वो हलाक है, वो शक़ी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमीन। फिर जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुअदन लिमन ज़ुकिरता इंदहु वलम युसल्ली अलैका। या रसूलल्लाह, जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरा भी लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना भेजे, वो भी शक़ी और बदबख्त हो जाए। तो मैंने कहा आमीन, और जब थर्ड स्टेप पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने ये दुआ कर दी कि या अल्लाह, बुअदन लिमन अदरक अबवाहु अल-किबर इंदहु औ अहदहुमा। या अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ कि जिस शख्स के माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे में पहुँच जाए और वो उसकी खिदमत करके जन्नत में ना चला जाए, वो भी बदबख्त हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, आमीन। तो तीन अहम अमल है कि जो ना करे या उसकी वजह से, आका अलैहिस्सलाम का जो आमीन का जुमला है कि जिसको रमज़ान मिला और उसने अपनी मग़फ़िरत ना करवाई, बदबख्त है वो। जिसको आका अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमी गिरामी सुनने की सआदत मिली और उसने दुरूद नहीं भेजा, सलात अला नबी ना भेजा, वो बदबख्त है। और जिसको माँ बाप के दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को मिल जाए और वो माँ बाप को खुश करके जन्नत ही ना हो जाए, आका अलैहिस्सलाम ने उस पर भी आमीन कहा कि वो भी बदबख्त है। दुआ मांगने वाला तमाम मलाइका का सरदार और आमीन कहने वाले तमाम नबियों के सरदार है, तो दुआ कैसे कबूल ना हो? तो एक मरतबा मोहब्बत से, गुलाम नवाज से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल जूदि वल करम वाला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लम। हज़रत सामईन किराम, सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 185 अल्लाह ताला फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद में 12 महीनों में से एक महीने का नाम आता है, वो सिर्फ और सिर्फ रमज़ान है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ान के लिए दुआएं करने लग जाते हैं। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो रमज़ान की कोई इम्पोर्टेंस तो है कि जिक्र है कुरान में, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब से ही दुआ कर रहे, बोला मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे। रमज़ान का मिल जाना, किसी को रमज़ान का महीना मिल जाना, यकीन करें वो उसकी खुश नसीबी की अलामत है कि ही इज़ अ लकी पर्सन और वी ऑल आर द लकी पर्सन पीपल, कि हम सब अल्लाह के करम से खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मंथ ऑफ रमज़ान अता कर दिया है। ये वो बरकतों वाला महीना है कि जिसकी फजीलत को समझने के लिए ये हदीस ले अर्ज करता हूँ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दलीलुल क़दर सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला आप कहते हैं कि दो शख्स नबी की बारगाह में आए और दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान होकर सहाबियत का दर्जा पा लिया, सहाबी बन गए। इनमें से एक बड़ी इबादत करते थे, कसरत से रोजे रखते थे, खूब इबादत और रियाजत में कोशिश किया करते थे, और एक गजबे में उन्होंने शिरकत की, यहाँ तक के शहीद हो गए। उनके शहादत के बाद जो दूसरे सहाबी थे उनकी इबादत इतनी ज्यादा नहीं थी और ना वो गजबे में शहीद हुए, एक साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने ख्वाब में दोनों को देखा कि दोनों सहाबी जन्नत के दरवाजे पे बाहर खड़े और मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ। थोड़ी देर में जन्नत के अंदर से कोई आया और जो सेकंड सहाबी थे जो ज्यादा इबादत नहीं किया करते थे और वो शहीद भी नहीं हुए, उनका हाथ पकड़ के उनको जन्नत में लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा शख्स आया, वही शख्स आया और उसने दूसरे सहाबी का कि जो कसरत से इबादत करते थे वो शहीद भी हुए थे, उनका हाथ पकड़ के उनको भी जन्नत में ले गए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने अगले दिन सहाबा करम को अपना ख्वाब बताया, तो मैंने ये ख्वाब देखा है। सहाबा करम भी परेशान हो गए कि ज्यादा इबादतें तो उसने की थी जो दूसरे दफा सेकेंड टाइम जन्नत में गया, वो शहीद भी हुआ था, और जो पहला वाला था वो ज्यादा इबादत गुजार था, और जो दूसरा वाला था उसकी इबादत इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर कम इबादतों के बावजूद वो पहले जन्नत में गया और ज्यादा इबादत और शहादत के बावजूद वो सेकंड टाइम जन्नत में गया, इसकी क्या वजह है? तो सहाबा इकराम ये क्वेश्चन लेके आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हो गए। आज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताएं कि बज़ाहिर ज्यादा इबादत करने वाला, शहीद का रुतबा पाने वाला, पहले उसे जाना चाहिए था मगर वो बाद में गया और दूसरा वाला सहाबी पहले गया, इसकी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया मेरे सहाबा वो बाद वाला जो सहाबी था वो एक साल ज्यादा अरसे जिंदा रहा तो उसको एक रमजान ज्यादा मिला था, उसको एक रमजान ज्यादा मिला था, और वो जो दूसरे सहाबी थे जो दुनिया से पहले चले गए उनकी जिंदगी में ये रमजान कम हो गया था, और जो दूसरे सहाबी एक साल जिए थे उनके सजदे भी ज्यादा थे कंपेयर टू फर्स्ट वन, कि वो जो पहले सहाबी थे वो दुनिया से जल्दी चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वजह से इन दोनों सहाबा में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। यानी वो सहाबी कि जो एक साल जिंदा रहकर रमजान पा लेते हैं वो उन सहाबी से मकाम और मर्तबे बढ़ गए कि जो ज्यादा इबादतें करते थे और शहादत का दर्जा पा चुके थे। तो ये अगर आपको समझ में आ रही है कि रमजान का महीना कितना वैल्यूएबल है कि जिसको ये मिल जाए और उसको इसमें इबादत कर ले तो वो दिगर लोगों से रुतबे में आमाल में बढ़ भी सकता है। तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रब की बारगाह में हाथ उठा उठा कर दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और जब रमज़ान आ जाता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की खुशी का अंदाज ऐसा होता कि जब 29 शाबान होती या शाबान के आखिरी दिन होते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम का इज्तिमा करते, सबको बुलाते और बैठ कर एक वाज किया करते थे, खुतबा देते, फरमाते अताकुम रमज़ान शहरुल मुबारक, मेरे सहाबा खुश हो जाओ बरकत वाला महीना रमजान आ चुका है। तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा, जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, व तुग़लक़ु अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद हो रहे, व सुलसिलत अश्शयातीन, और शैतान को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, व अव्वलुहु रहीमा, फर्स्ट 10 डेज रहमत है। व औसतुहु मगफिरा, सेकंड 10 डेज मगफिरत है। व आखिरुहु इत्कु मिनन नार, और आखिर के 10 डेज जहन्नम से आजादी का इशारा है। आका अलैहिस्सलाम की फजीलतें बयान करते हैं, फरमाते फीही लैला, इस रात, इस महीने में एक रात आने वाली है, खैरुम मिन अल्फ शहर, उस रात में इबादत करना 1000 महीने में इबादत करने से बेहतर है। वो लैलतुल कद्र का जिक्र फरमाते थे, और फरमाते जो इस रात भी अल्लाह की इबादत से महरूम हो गया वो यकीनन महरूम है, वो यकीनन महरूम है। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम फरमाते लौ यअलम इबादी मा रमदान लतमन्नत अन यकून सनत कुल्लहा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरे उम्मत को पता चल जाए कि रमजान की फजीलत क्या है तो ये दुआ करें कि मौला हर पूरा का पूरा साल रमजान ही रहा करे, पूरा साल रमजान रहे। हम तो गिनते शुरू कर देते हैं कि 1 रोजा हो गया, 2 रोजे हो गए, 5 हो गए, हम तो काउंटिंग करते हैं कि रमजान आया है अब रोजे रखने पड़ रहे हैं। मगर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत को पता नहीं है कि रमजान की बरकत क्या है, अगर इनको रियलाइज हो जाए कि रमजान कैसा महीना है तो दुआ करें मौला पूरा साल रमजान ही रहा करे। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा-ए-किराम को खुशखबरियां देते हैं और इस तरह फरमाते कि सुनो सहाबा कि जो रमजानुल मुबारक के महीने में भी मगफिरत ना करवा सका, क्योंकि रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आजादी का महीना है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुअदन लिमन अदरक रमदान वलम युगफर लहू। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि रमजान भी मिला मगर अल्लाह की इबादत करके अपनी मगफिरत ना करवा सका। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा लम युगफर फीही फमता। आका अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, कहते हैं ये कैसा बदनसीब है अगर रमजान में भी इसकी मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी, कि जब रहमत इलाही जोश में है, रमजान में इफ्तार के वक्त लाखों लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जा रहा है, रमजान का पहला जुमा आता है, हर सेकंड में लाखों लाख गुनाहगारों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान के महीने के अंदर जहन्नम से आजाद कर रहा है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जब रहमत इतनी जोश में है खुदा की और फिर भी कोई बदनसीब हो जो रमजान में भी ना बख्शा जाए तो फिर कब वो बख्शा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जब रमजान का महीना शुरू होते खुतबा दे देते, एक मोटिवेशन देते थे सहाबा इकराम को कि मेरे सहाबा अब अपनी रूटीन को चेंज कर लो, बरकतों वाला महीना है, असमतों वाला महीना है, इबादत पर कमर बस्ता हो जाओ। न सिर्फ कहा बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है। हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं इज़ा दखल रमज़ान, जैसे रमजान का महीना आता है आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 9 टाइम्स 9 मरतबा रमजान मुबारक ने हाजिरी दी है, 9 मरतबा। और हुजूर अलैहिस्सलाम का रमजान की जो रूटीन थी वो सबसे बेहतर बयान करती है हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला कि आपकी रूटीन क्या थी। एक तो मेरी और आपकी रूटीन होगी, 24 आवर्स कैसे गुजरे हमें पता है और आका अलैहिस्सलाम कैसे गुजारते थे। आप फरमाते हैं इज़ा दखल रमज़ान, जब रमजान का चांद नजर आता था, जैसे ही रमजान का चांद नजर आता शद्द मिज़रहू, आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बस्ता हो जाते, सुम्मा लम याति फिराशहू हत्ता यंसलिक़ा, और पूरे महीने बिस्तर पर नहीं आते थे, मैट्रेस पर नहीं आते थे, बेड पर नहीं आते थे, पूरे महीने अल्लाह की इबादत ही करते रहते थे। यह आका अलैहिस्सलाम का अमल है। उलमा फरमाते हैं कि ये जो शद्द मिज़रहू का वर्ड है कि कमर बस्ता हो जाना, इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रूटीन से बढ़कर इबादत करते थे। आम दिनों में जो इबादत थी वो तो थी, वो इतनी ज्यादा होती थी कि पाँव सूज जाते थे, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में इस इबादत से बढ़कर इबादत किया करते थे। तो एक तो हमको ये करना ही चाहिए कि रमजान आ जाए हमारी रूटीन चेंज हो जाए। अगर पहले 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दैट इज कॉल्ड चेंज, ये है चेंज। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे मगर घर में शुरू हो जाते थे तो जमात से मस्जिद में आकर पढ़ें, ये है चेंज, रूटीन को चेंज करना है। अगर जमात से नमाज पढ़ रहे थे तो फिर तहज्जुद शुरू कर दें, ये है चेंज। सलातुल अव्वाबीन मगरिब के बाद पढ़ना शुरू कर दें, ये है चेंज। रात को सोने से पहले सलातुल तौबा की 2 रकात पढ़ के पूरे दिन के गुनाहों की माफी मांग के सो जाए, ये है चेंज। कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान की तिलावत शुरू कर दें। जिक्र अस्कार नहीं करते थे, जिक्र अस्कार बढ़ा दें। सदका खैरात करते थे, बढ़ा दें। ये रूटीन को चेंज करना कहलाता है। तो आका अलैहिस्सलाम की रूटीन चेंज हो जाती थी और इबादत पर कमर बस्ता हो जाते थे। सईदा सिद्दीका आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मजीद फरमाती हैं, इज़ा दखल रमज़ान, जब हुजूर की ज़िंदगी में रमज़ान आता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, एक तो इबादत की कसरत है, कसरत से इबादत करते थे। मगर हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला का एक जुमला है, आप कहते हैं जैसे ही रमज़ान का चांद दिखता तगय्यरा लौनुहु, आका अलैहिस्सलाम का जो फेस था उसकी जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो जाते थे। और अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी और दीगर उलमा ने लिखा है कि ये जो हुजूर का चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होते थे, कलर चेंज हो जाता था, ये इस वजह से होता था कि आका अलैहिस्सलाम ये सोचते थे कि रमज़ान में अगर मैंने अल्लाह की इबादत का हक अदा ना किया तो मेरा क्या बनेगा, अगर मैं इस रमज़ान में भी अल्लाह की बंदगी का हक अदा ना कर सका तो मेरा क्या बनेगा। ये जो थॉट थी, आपकी जो सोच थी, ये आपको परेशान करती थी। यानी स्ट्रेस है, परेशानी है, मगर किस बात का, इस बात का डर है कि रमज़ान गुजर जाएगा, अगर मैंने अपने रब को राजी ना किया तो मुझ मोहम्मद का क्या बनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए। ये तो तालीम उम्मत है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सिखा रहे हैं कि मेरे गुलामों तुम अपने बारे में सोचो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत की तो क्या कहने, आपके सत्य के अगले पिछले लोगों के गुनाह माफ हो गए। अगर ये सिर्फ तालीम उम्मत है कि आपके चेहरे का रंग बदलता है, अगर हमारा तो कुछ भी नहीं बदलता। रमज़ान आता है और चला जाता है, ना हम बदले, ना हमारा लाइफ स्टाइल बदले, ना गुनाहों वाली रूटीन बदले, ना कुछ बदले। जैसा रमज़ान से पहले थे वैसा रमज़ान में, और रमज़ान के जाने बाद वैसे ही हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने रूटीन चेंज करते हैं और फिर फिक्र होती है कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गुजर जाए और मैं रब की हक के बंदगी अदा ना कर सकूँ। तग़य्यर लौनुहु, अगर इस पर गौर करें किसी के चेहरे से कैसे पता चले, यानी फीलिंग होती है, इमोशन होता है। इमोशन हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल है, मगर चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि कैसा फील हो रहा है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही, मैं सिर्फ चेहरा देखकर पहचान जाती थी कि हुजूर को खौफ़े खुदा का की वजह से आप डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो रमज़ान में अल्लाह की इबादत ना कर सको। और रमज़ान का चाँद आ गया, अल्लाह के करम से सेकेंड रोज़ा भी मिल गया, क्या हमारे अंदर ये थॉट आई थोड़ी देर के लिए भी कि मैं चेंज हो जाऊँ, ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। कुछ नहीं पता, कितने ही भाई थे पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, आज नहीं है। ये रमज़ान हो सकता है हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो क्या हम चेंज होने के लिए तैयार हैं। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा बदल रहा है इस वजह से कि कहीं हक के बंदगी से महरूम हो जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी ना कर सको। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि रमज़ान में हुजूर अलैहिस्सलाम इत्तहल्ला फी दुआ, गिड़गिड़ा के रो रो कर दुआएं मांगा करते थे। व अशफ़क़ मिन्हु, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगते थे। ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशखबरी है, खुशी के मौके हैं, उसको हैप्पीनेस मिलती है। फरमाया एक हैप्पीनेस तो तब मिलती है कि जब वो इफ्तार पर बैठकर रोजा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और एक हैप्पीनेस उसको तब मिलेगी जब अपनी आंखों से अपने रब का दीदार करेगा। ये रोज़ा अल्लाह के लिए है और इसकी जजा अल्लाह देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, कसरत से दुआ किया करते थे। इफ्तार के बाद हम सब जानते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुब्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका असरतु। चले ये भी सुनते जाए कि ये दुआ रोज़ा इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए। एक उससे पहले दुआ मांगे जो हम जनरल दुआ मांगते हैं, मगर ये स्पेसिफिक दुआ जब आप कम से कम एक खजूर खा लें या पानी पी लें उसके बाद ये दुआ पढ़ना, ये सुन्नत मुबारक है। तो इबादत पर आका अलैहिस्सलाम कसरत फरमा रहे हैं, दुआ गिड़गिड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत सईदना जिब्रील अमीन से रमज़ानुल मुबारक में कुरान का दौर किया करते थे। अब ये दौर क्या होता है, दौर सुने कि जैसे हुफ्फाज़ होते हैं ना जो तरावी पढ़ाते हैं, तो एक पढ़ता है दूसरा सुनता है, ये पूरे दिन एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं। एक पढ़ता है दूसरा सुनता है, फिर दूसरा पढ़ता है पहला सुनता है, इसे कहते हैं दौर करना। जो हिफ्ज है उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आते रमज़ान में, और हर रात आका अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन के साथ पूरे कुरान का दौर किया करते थे। यानी पहले जिब्रील पढ़ते, आका अलैहिस्सलाम पूरा कुरान सुनते, फिर आका अलैहिस्सलाम पढ़ते, जिब्रील सुनते थे। ये हर रात का मामूल था कि आका अलैहिस्सलाम पूरे रमज़ान दौर किया करते थे। तो जिस रमज़ान आका अलैहिस्सलाम का आखिरी रमज़ान था, उस रमज़ान हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा जिब्रील से दौर फरमाया। तो ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि कुरान की तिलावत की जाए और ख़ास तौर पर दौर किया जाए। अब आप कहेंगे ये तो हाफिज़ करेगा, मैं कैसे करूँ? तो क्या ये अच्छा हो कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हाफिज़ कुरान बन जाए? अगर पूरे हाफिज़ नहीं बन सकते तो कुछ सूरतें हिफ्ज़ कर लें, सूरह यासीन हिफ्ज़ कर लें, कुरान का दिल है, सूरह रहमान हिफ्ज़ कर लें, कुरान की जीनत है, सूरतुल मुल्क याद कर लें, कब्र के अजाब से बचाती है, सूरतुल वाक़िया याद कर लें, रिस्क की जो बेबरकती होती है, रिस्क की तंगी होती है, उससे नजात दिलाती है। ये सूरतें, छोटी छोटी सूरतें, इन्हें याद करें और फिर सुनाएं। हो सके तो अपनी बीवी को सुनाएं, बीवी आपको सुनाएं, बेटे को सुनाएं, बेटा आपको सुनाएं। ये सुन्नत की नियत से कुरान हिफ्ज करके एक दूसरे को सुनाएं कि आका अलैहिस्सलाम रमज़ान में कुरान मजीद फुरकान हमीद का दौर किया करते थे। तो हुजूर की इबादत, कसरत दुआ, कसरत तिलावत कुरान और साथ ही साथ आका अलैहिस्सलाम की सखावत बढ़ जाती थी। और रावी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम आम दिनों में बहुत सखी हैं, सदका और खैरात करते थे। अगर जैसे ही रमज़ान आता तो तेज हवा की तरह आप सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज हवा की तरह से तेज हो जाया करती थी, बढ़ जाती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक आदत थी कि जैसे रमज़ान आता अतलक़ कुल्ल असीर व आत कुल्ल साहिर, कैदियों को रिहा करते थे और हर मांगने वाले को दे दिया करते थे। तो सदका और खैरात बढ़ा दीजिए, खासतौर पर अपने नेबर्स में देखें, अपने फैमिली मेंबर्स में देखें कि ऐसे मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, उनके दस्तर पर इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं होता, एक खजूर के लिए इंतजार करते हैं, खजूर मिल जाए, पानी का घूट मिल जाए तो रोज़ा खोल लें। और हमारा जब दस्तर लगता है दुनिया की हर नेमत मौजूद होती है, हम अच्छे से खाते हैं। मगर आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने मांगने वाले को दिया करते थे। काश कैसा हो कि इस महीने हो सके तो पूरे महीने में कोई दिन ऐसा रख लें कि किसी गरीब के साथ बैठकर इफ्तार करके देखें, छोड़ दें बीवी बच्चों को एक दिन के लिए, छोड़ दें वो इफ्तार कि जो आप कहते हैं ना, नहीं जनाब मैं इफ्तार पर नहीं होऊंगा तो मेरी बीवी रोज़ा ही नहीं खोलेगी, या आपकी गलत फहमी खोल लेगी। आप करके देखें, आप निकले और किसी गरीब के साथ बैठकर इफ्तार करके देखें, उसकी फीलिंग को देखें और कुछ खर्चा करें, उसको अच्छा सा खाना खिला दें। आप यकीन करें उस गरीब के दिल से जो दुआ निकल गई ना, बेड़ा पार हो जाएगा। अब उसकी भूख को महसूस करें। और हम जहाँ रहते हैं या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेट में भूख होती है, हमारी मस्जिद के अंदर इसी वजह से इफ्तार करवा दिया जाता है कि ये कहीं और ना जाए, किसी और की तरफ ललचाई नजरों से ना देखें, बल्कि मस्जिद के अंदर ही प्रॉपर इफ्तार का एहतमाम कर दिया जाता है। आप लोगों ने डोनेशन दिया है, आपका डोनेशन है और इन्हीं नमाजियों पर खर्च हो जाता है। और आपके लिए खुशखबरी है कि न सिर्फ इफ्तार करवा रहे बल्कि सुन्नी मुस्लिम अंजुमन तो हर रोज इफ्तार के बाद खाना भी खिला रही है, फूड पेश कर रही है। आपके मुंह में अगर पानी आ रहा हो तो आपका भी हिस्सा डल जाए तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 12,000 कीनिया शिलिंग खर्च हो रहे हैं एवरी डे, 12,000। इस 12,000 के अंदर खाना खुद बना लेते हैं ये लोग और फिर यही खाना इनमें दे दिया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक खाना, एक दिन का खाना आपकी तरफ से हो जाए तो 12,000 कीनिया शिलिंग है। यकीन करें ये गरीबों की इफ्तारी है। आप कभी आकर बैठिएगा, आकर देखें, आप अपने घर का खाना देखिएगा और यहाँ का देखिएगा, फिर भी बहुत अच्छा है मगर इनके पेट भर जाता है। इफ्तारी करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहहुल करीम से ने बताया मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं, तीन चीज़ें। उनमें से आपने ये फरमाया था मुझे गर्मियों के रोज़े पसंद है, मुझे गर्मियों के रोज़े पसंद है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला आपकी ये आदत थी कि आप हर रोज़ इफ्तार फ़कीरों के साथ बैठ कर किया करते थे। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला मिस्कीनों के साथ, फकीरों के साथ बैठते थे, उनके साथ इफ्तार किया करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम इस महीने में सदका और खैरात को बढ़ा दिया करते थे। तो इबादत, कसरत दुआ, तिलावत कुरान और सखावत, और साथ ही साथ अल्लाह सुबहाना व तआला ने जो रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज किया उनके साथ तरावी का एहतमाम किया करते थे। तो अल्लाह के करम से हमारी मस्जिद हिदायत है, 20 रकात तरावी में पूरा कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तरावी ये अलम तरह कैफा वाली तरावी भी हो जाती है, वो 20 रकात सुन्नत अदा हो जाती है, मगर तरावी में कुरान मजीद सुनना और पढ़ना ये भी सुन्नत है, मौक़दा है। तो आपकी एक सुन्नत अदा होती है, दूसरी मिस हो जाती है। तो दोनों सुन्नत पर अमल तभी होगा कि आप 20 रकात तरावी में कुरान मजीद पूरा सुने या पूरे कुरान मजीद की तिलावत करें। तो मस्जिद हिदायत के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर आएँ और तरावी को जमात से पढ़ें, इंशाल्लाह ये सुन्नत भी अदा होगी। 3 रमज़ानुल मुबारक हिजरत का 11वां साल, खातून जन्नत हज़रत सैयदतुना बीबी फ़ातिमा-तुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल मुबारक है। तो आज मगरिब के बाद 3rd रमज़ान शुरू हो जाएगी, उस मुनासबत से एक वाक़या ज़िक्र करता हूँ। बीबी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। आपका नाम फातिमा और आपके जो टाइटल हैं वो बतूल और ज़हरा है। इनकी ज़िंदगी का रमज़ान कैसा होता था? रमज़ान की बात चल रही है, चले इनका रमज़ान बताओ। हज़रत सैयदा उम्मे अयमन रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये कहती है रमज़ान का महीना था, सख्त गर्मी थी और अरब की गर्मी, आज भी देखें 48 से ऊपर चला जाता है, अरब की गर्मी थी। उम्मे अयमन साहब कहती हैं कि मैं बीवी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ चली गई तो दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से चक्की पीसने की आवाज़ आ रही थी। वो जो गेहूं के दाने होते हैं ना, उसको पत्थर की चक्की होती थी, उससे पीसा जाता था, उससे आवाज़ आती थी। तो आप कहती है मुझे एहसास तो हो रहा था अंदर कोई है और चक्की पीस रहा है, तो आप समझे कि बीवी फातिमा तो ज़हरा होगी। तो आप कहते हैं दरवाजा बंद था मगर दरार थी, दरवाजे में मेरी नजर पड़ गई तो मैंने देखा कि जो चक्की है वो खुद ब खुद पीस रही है और जो पीस रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता। फिर कहती है मैंने यहाँ वहाँ देखा तो देखा इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये झूले में लेटे हैं और झूला खुद ब खुद हिल रहा है। आप फिर सरप्राइज हो गए, कहने लगी मैंने मजीद देखा कि बीवी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को नींद आ गई और आप जमीन पर ही सो रही हैं। बस मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गई कि चक्की खुद ब खुद चल रही है, झूला खुद ब खुद हिल रहा है और बीवी फातिमा तो ज़हरा आराम कर रही। कहती है मैं चली गई आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक में, अर्ज कर दिया पूरा माजरा कि ये मैं मंजर देख कर आई हूँ। आका अलैहि सलाम ने फरमाया ए उम्मे अयमन, गर्मी बहुत है और मेरी बेटी फातिमा ने रोजा रखा है, सख्त गर्मी है, रमजान का महीना है, उस सख्ती की वजह से वो थक गई थी और उसकी आंख लग गई ताकि रमजान की जो गर्मी की वजह से उसने रोजा रखा है उसकी शिद्दत कम हो जाए। अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजा है जो उसकी चक्की चला रहे हैं और उसके बेटों के लिए झूला हिला रहे हैं। ये बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रमजान था। सख्त गर्मी है और अपने काम काज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो रोजे को बोलने लग जाते हैं कि क्या गर्मी में आता है, सर्दी में आता है। रमजान का रोजा उनकी जिंदगी में गर्मी में आता था मगर अल्लाह से ताल्लुक ऐसा था कि काम कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से हेल्प आ जाया।